लेना देना नहीं दुनिया से, मेरा बस तुझसे काम है। तेरी अखियों के शहर में यारा सब इंतजाम है। खुशियों का एक टुकड़ा मिले या मिले गम की खुरचरे, यारा मेरे तेरे खर्चे में दोनों का ही एक दाम है। होना लिखा था यूं ही जो हुआ, या होते होते अभी अनजाने में हो गया जो भी हुआ हुआ। जी तुझे चाहूं बेतहाशा जहन सी तुझे चाहूं बेतहाशा जहन सी, तेरे संग बीते हर लम्हे पे हमको नाज है। तेरे संग जो ना बीते उस पे ऐतराज है। इस तरह हम दोनों का मिलना एक राज है। हुआ मेर दिल गरीब, तुझे चाहूं बेतहाशा जहन सी तुझे चाहूं बेतहाशा जहन सी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल। तो जी हम आ ही गए हैं और पिकअप आइल रीडिंग लेकर आए हैं। ठीक है, पहले बता देते हैं पिकअप आइल रीडिंग लेकर आए हैं। फाइल क्या है? टैरो कार्ड्स हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे पास, हमको जो यही लगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते ना, हमको जो है 10-10 पोर्टल की रीडिंग बनानी है। तो आज 5 तारीख है, मतलब सिर्फ 10 दिन बचे हैं नवरात्रि स्टार्ट होने में। तो कुछ तो बस हमें पता नहीं, कुछ लग रहा है कि दुर्गा पूजा में इस बार कुछ अच्छा सा होगा शायद। ठीक है, आई होप सो कुछ अच्छा हो। और अरे पता है आपको, 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। मतलब ये आप लोगों ने अपने चैनल को इतना ग्रो कर लिया आप ही का चैनल है, आपको पता है ना तो आप लोगों ने अपने चैनल को इतना ग्रो कर लिया, मतलब सच में हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा इतनी खुशी तो जी हमारी इतनी खुशी भी लोगों को बहुत पसंद आती है। आप लोग कमेंट करके बताते हैं हमें मेल पे कि अपनी इतनी खुशी आप इजहार कीजिए कि हमारी इतनी खुशी भी आपको अच्छी लगती है। तो ठीक है, ये पहला पाइल है 10-10 पोर्टल के लिए। और ये जो 10-10 पोर्टल है, ये हमको अक्टूबर ब्लेसिंग्स के तौर पे भी थोड़ा सा जो है इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि अक्टूबर ब्लेसिंग्स की अलग से रीडिंग बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा देखिए टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, एफर्ट्स भी लगते हैं रीडिंग बनाने में। पिकअप आइल ही हमको अक्टूबर ब्लेसिंग्स रखनी थी, लेकिन अक्टूबर 5 तारीख तो ऑलरेडी हो गई और दुर्गा पूजा आ रही है, तो ब्लेसिंग तो ऑलरेडी आ रही है। माता रानी आ रही हैं भाई, पधार रही हैं माता रानी, तो माँ दुर्गा अपने साथ ब्लेसिंग्स ही ऑब्वियसली लेकर आ रही हैं। तो अब आपको इसके अलावा और इससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स और क्या चाहिए, है ना? लालच बुरी बला है तो थोड़े में ही खुश हो जाना चाहिए। तो 10-10 पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रहा है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला पाइल रहेगा आपका ये। ठीक है, ये ऐसा दिखता है, टैरो का डेक है ये। तो पहला पाइल रहेगा ये, पाइल नंबर 2। इसके कार्ड्स भी हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हमने ये डब्बा जो है ये एम्प्टी है, ताकि हमने इसके कार्ड्स भी हमने जो है ऐसे रख दिए हैं। एक मिनट, इस तरीके से हमने जो है ऑलरेडी इनको ऐसे करके रखा हुआ है ताकि हम आपको दिखा पाएँ। तो पहला पाइल जो है उसके जो ये हैं, ये इसका कार्ड ऐसा है, ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा कार्ड दिखता है इसका। तो ये पाइल नंबर 1 रहेगी। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें दिखाई दिया है, तो बुरा जो फेज़ है वो ख़त्म, साइकिल फाइनली ख़त्म। साइकिल के जो टायर हैं वो घिस चुके हैं, पंक्चर हो चुके हैं, और ठीक है एक नया फेज़, एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो ये रहा पाइल नंबर 1। ठीक है, दूसरा पाइल रहेगा यही वाला, ले लेते हैं दूसरा पाइल। ठीक है, दूसरा पाइल रहेगा ये वाला टैरो डेक, जिसके कार्ड्स हैं ये। तो ये क्या है देख लेते हैं। अरे वाह, डेथ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप ऐसे भी चुन सकते हैं कार्ड वाइज या फिर डेक वाइज भी चुन सकते हैं। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 रहेगा ये। इसका कार्ड कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, ये देखिए, यही है ना इसका, हाँ यही है।
ओके, तो हम इसको रख देते हैं। पाइल नंबर वन वालों की रीडिंग सबसे पहले होगी, तो ये रहा पाइल नंबर वन वालों का डेक। और पाइल नंबर थ्री, ये आपको दिख ही रहा होगा, ये है, और इसका डेक कुछ इस प्रकार का दिखता है ऐसा। ये दोनों थोड़े सिमिलर हैं, बट ये थोड़ा बॉक्स इसका अलग है और इसका बॉक्स कुछ ऐसा है, ठीक है। और इसके जो कार्ड्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, ये है इसका कार्ड, अच्छा पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो आपकी तरफ बहुत आप स्टेबल हो जाएंगे, मतलब स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय तक टिकने के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म अवेटेड स्टेबिलिटी हमें ये दिखाई दे रही है, ये आपके पास आ रही है, ठीक है, मनी फाइनेंसिस रिलेटेड स्टेबिलिटी। तो ये इस तरीके के पाइल्स हैं आपके, तो आप चुन सकते हैं। और 555 हमने इसके साथ ही देखा, वाह 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 वाह, तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम तो जी है ही, ठीक है ना, रीबर्थ हो रहा है। पाइल नंबर वन ये रहा, पाइल नंबर टू ये रहा, पाइल नंबर थ्री ये रहा, ठीक है। अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे आपकी, इनको हम ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि नहीं देखना है, जो भी है जब देखेंगे तभी देखेंगे। तो ये तो पाइल नंबर टू है, हम भूल जाएंगे ना, कैसे ऐसे रख देते हैं। अब इसकी रीडिंग करनी है, फिर इसकी रीडिंग करनी है ना। पाइल नंबर टू यही था ना, हाँ पाइल नंबर टू यही था, डेथ का कार्ड है, ठीक है। पाइल नंबर वन, जिन्होंने ये वाला टैरो डेक चूज़ किया है, देखते हैं 10-10 पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रहा है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, ठीक है, लव ऑफर, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो आप जैसे मर्जी चुन सकते हैं, ठीक है। पाइल नंबर वन की रीडिंग है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम रेडी नहीं हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आ रहा है। अरे अरे अरे, मैजिशियन का कार्ड पहले ही फ्लिप हो गया, तो मतलब बहुत टाइम से आपने जिस चीज़ की तमन्नाएं की थी वो 10-10 पोर्टल आपके लिए लेके आ रहा है। और हमको इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है कि ये 10-10 पोर्टल इस साल के ख़त्म होने से पहले ही आपको जो है ये सब चीज़ें जो रीडिंग में आएगी वो दे के जाएगा, ठीक है। अब हम रेडी हैं, ओके, देखते हैं क्या रहा है पाइल नंबर वन के लिए, 10-10 पोर्टल क्या लेके आ रहा है ये हम चेक करेंगे। और आपको पता है हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स, अरे बताया ना अभी आपको 5000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, हाँ, तो हमारा ना केक खाने का मन कर रहा था कुछ दिनों से, तो हमने सोचा कि 5000 सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में केक ले आएंगे, तभी खा लेंगे, एक ही बार में काम हो जाएगा। केक भी तो बहुत महंगे हो गए हैं आजकल, आपको पता है इतने इतने से टुकड़े आते हैं 100-100 रुपए के, मतलब पेस्ट्री वाले। और पता है एक चीज़ और बतानी थी हमें, हाँ, पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन हो चुकी है, क्योंकि हमने रीडिंग्स जो है ऑलमोस्ट डिलीवर कर दी है, शाम तक बाकी की रीडिंग्स भी डिलीवर हो जाएगी, और अब आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि ऑब्वियसली अक्टूबर है, माता रानी आ रही है, तो कुछ बेहतर ही ला रही होंगी आपके लिए, तो पर्सनल पेड रीडिंग्स अब ओपन हो गई हैं, आप अपनी प्रश्नों के अनुसार रीडिंग बुक कर सकते हैं। और साथ ही टैरो क्लासेस के लिए भी दोबारा रिमाइंड करा देते हैं, टैरो क्लासेस रहेंगी, स्टार्ट हो रही है नवंबर के फर्स्ट वीक से। जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं, जो लोग सीरियसली सीखना चाहते हैं, हमारा समय बर्बाद मत कीजिएगा ये पूछने में वो पूछने में, ठीक है। टैरो की वही सेम फीस रहेगी, 555 की 10 क्लासेस रहेंगी, संडे संडे हुआ करेंगी, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बता सकते, यही है, क्योंकि जानकारी यही है, इसके ज़्यादा कुछ है ही नहीं, तो ये है, ठीक है। जो लोग सीरियस हैं और जो लोग सीखना चाहते हैं हमें मेल पे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है, हमारा समय बर्बाद मत कीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है, जानकारी हमने आपको दे दी है। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि 15 तारीख को नवरात्रि शुरू है, कितना मज़ा आएगा सोचिए, रोज़ नए नए कपड़े पहनेंगे, दुर्गा पूजा में ही तो नए नए कपड़े पहनने का मौका मिलता है ना, वैसे तो मौका रोज़ ही मिलता है, लेकिन हम दुर्गा पूजा में ही पहनेंगे नए कपड़े, बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। और एक चीज़ और बतानी है हमें, हम भूल जाएंगे नहीं तो, पहले बता देते हैं कि कार्ड भी नहीं आए देखे, लेकिन मतलब क्योंकि हमको हमारी जो है बकवास अभी जारी रखनी है, मतलब पाइल्स के जो टाइम्स हैं वो ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है। वैसे बात ये नहीं थी, बात ये थी कि आपको पता है लोग हमारी नकल कर रहे हैं, बताइए, हमने किसी की नकल कभी नहीं की, लेकिन लोग हमारी नकल कर रहे हैं, कैसे, हम गाना गाते हैं ना अपनी रीडिंग में, आजकल लोग चैनलाइज के बहाने से कि चैनल हो रहा है, मुझे वाला गाना याद आ रहा है, वो गाना शुरू कर देते हैं नकल कर करके। कल रैंडमली हमारे फीड पे, मतलब यूट्यूब की फीड पे कुछ रिकमेंडेशंस आई, उसमें हमने देखा
ये हमने कहा यार 50-50, 60-60 हज़ार से सब्सक्राइबर्स लेके घूम रहे हैं ये लोग, और नकल किसकी कर रहे हैं, एक चिंदी चोर की जिसके सिर्फ हमने 10-10 देखा, जिसके अभी सिर्फ 4,000 सब्सक्राइबर अभी जस्ट कंप्लीट हुए हैं, 4,500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं, उसकी नकल कोई 50,000-60,000 सब्सक्राइबर वाला लोग इंसान जो है वो नकल कर रही हैं, मतलब गाना गा रही हैं, बताओ। मतलब आजकल तो हम इतने पॉपुलर हो गए हैं, पहले कोई नहीं करता था, हमको बहुत ज़्यादा लोग कॉपी करने लगे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम इतने पॉपुलर हो गए हैं कि लोग हमको कॉपी कर रहे हैं, वेरी गुड, करिए कॉपी करिए हमको किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग हमको कॉपी कर रहे हैं बताइए, चिंदी चोर को कॉपी कर रहे हैं मतलब हम चिंदी चोरी को है ना, 4,500 सब्सक्राइबर इसी को है हमारे तो जो भी है देखते हैं। अरे यार, पहले जेन्युइन ऑथेंटिक बन जाओ, उसके बाद नकल कर लेना, नकल करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है यार खैर जो भी है जैसा भी है, टैरो एक स्पिरिचुअल चीज़ है, बहुत प्रेशियस, बहुत 11-11 देखा, माई गुडनेस, अनएक्सपेक्टेडली देखा है हमने आज, बहुत प्रेशियस और बहुत ही बहुत बहुत कीमती एनर्जीज होती हैं, बहुत हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, लेकिन लोग आजकल पैसा इसको सिर्फ पैसों से ही जोड़ रखा है लोगों ने, और खैर हमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, हम कर्मों पे विश्वास रखते हैं। तो देखें, देखते हैं, ठीक है, कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, अक्टूबर ब्लेसिंग्स हाँ, और क्या था, अरे हम भूल गए, एक मिनट, हाँ, 10-10 पोर्टल, तो देखते हैं 10-10 पोर्टल में क्या क्या आ रहा है। अरे 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 अरे, ये कार्ड तो ऐसे ही, अरे अरे अरे, एम्प्रेस, अरे अरे अरे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए हर चीज़ का हम बताते हैं ना कि ये देख के लोग खुश हो जाते हैं कि अरे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। हर समय जो है कोई नाइट या कोई जो है ऑफ़र लेके ही नहीं आता होता है, पैशनेट ऑफ़र लेके, एक लग्जूरियस लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है, वो आ रहा है आपकी तरफ। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, हमको जो इंट्यूटिवली फील होता है हम वही बताते हैं। हर समय ये कार्ड देख के लोग खुश हो जाते हैं कि समबडी इज़ कमिंग, नाइट ऑफ ये आया है। हैंग्ड मैन, दिमाग की बत्ती जलेगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और ये 10-10 पोर्टल आपको इनर रियलाइजेशन देकर जाएगी विद दिस टू ऑफ सोर्ड्स। घबराइए मत, सारे कन्फ्यूजन से मुक्त होंगे आप। अब तक जितने भी कन्फ्यूजन्स थे आपकी लाइफ में, डिसीजन लेने में आपको कोई दिक्कत आ रही थी, तो वो अब फाइनली आप जो है वो डिसीजंस ले पाएंगे फाइनली, ठीक है, देखते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, पहला कार्ड एम्प्रेस का हमने देखा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे लग्जूरियस लाइफ लीड करेंगे, उसके लिए जो है आगाज़ हो रहा है उसका, क्योंकि अरे अरे सारे कार्ड्स हमारे पैरों पे गिर रहे हैं, लगता है कोई बहुत ज़्यादा आपके पैरों पे गिरने वाला है, पता नहीं ऐसा हमें लगा। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड, ठीक है, ट्रैवलिंग, 10-10 पोर्टल आपको ट्रैवलिंग भी देके जाएगा, बहुत सारे टूर्स एंड ट्रेवल्स आते हुए 3 कार्ड यहाँ पे एक साथ आए हैं। अरे मजीशियन का कार्ड, ये पहले भी देखा था क्या हमने, इसी टैरो डेक में देखा था या किसी और टैरो डेक में देखा था, बाद में वीडियो घुमा के हमको देखनी पड़ेगी, हम अभी पता नहीं, हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ किसी की बहुत लॉन्ग अवेटेड डिज़ायर्स हैं वो पूरी होंगी, ठीक है। स्टार, अरे अरे स्टार बनने वाले हैं आप तो, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो आपकी तरफ भाई बहुत तेज़ी से आ रही है ये चीज़ें। कोई इंसान, अभी इंसान का तो यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसा आपको ठीक लगे, कोई इंसान भी हो सकता है, क्योंकि हमने बताया ना पैरों पे कोई गिरेगा, तो ये कौन गिरेगा, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको अपने किए पे शर्मिंदगी हो, जिसने आपके साथ गलत किया है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है ना, कर्मा देवता, देखते हैं। अरे अरे बहुत धड़ाधड़ कार्ड्स आए हैं भाई साहब, बड़ी जल्दी जल्दी आ गए हैं, क्योंकि 10 मिनट तो हमने बकैती ही की थी। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो आप अपनी पावर में रहने वाले हैं,
आप कोई छोटा मोटा मैनिपुलेशन या छोटी मोटी जो भी कोई कॉन्वर्जेशन है अचानक से आपकी तरफ, अगर कोई ऐसे बात करता है कुछ भी, मतलब आप बस ऐसे बोलेंगे कि अरे हटाओ सावन की घटाओ, जाओ यार, तो हटा सावन की घटा वाले हमें फीलिंग आ रही है। एक कार्ड और आ गया, बड़ी जल्दी जल्दी आया है, 10-10 का पोर्टल। अरे ये टेन टेन का पोर्टल आपके लिए जजमेंट ला रहा है। ये वो इंसान हो सकता है जिसने आपको बहुत दुख दर्द दिए हैं, और कर्मा उसको मिला है वर्ल्ड के ठीक नीचे आया है, वर्ल्ड के दिखा देता है, अरे हमारे नाखून, हाँ ये रहा वर्ल्ड के ठीक नीचे ये कार्ड आया है ऐसे, तो जजमेंट आ रहा है। पाइल नंबर 1, जजमेंट आ रहा है, जजमेंट, ठीक है, जजमेंट। एक लग्जूरियस लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है, आप वो लीड करेंगे, बहुत सारी रिकॉग्निशन आपको मिलेगी, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि स्टार का भी कार्ड है, मेजर अरकाना है यहाँ पे, एम्प्रेस, मजिशन, स्टार, जजमेंट, हैंग्ड मैन, वर्ल्ड, माय गुडनेस, यहाँ तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओके, तो 6 कार्ड हैं जो यहाँ पे मेजर अरकाना है, ठीक है, 10 कार्ड निकाले हैं, 10 में से 6 कार्ड मेजर अरकाना, तो मतलब मेजर मेजर भारी है ना, 4 कार्ड माइनर हैं और 6 कार्ड मेजर अरकाना है। समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन, गेट रेडी, गेट रेडी। और देखिए ज़्यादा हमें एक्सप्लेन करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि जजमेंट आ रहा है, साफ सीधी बात है, क्या क्या आ रहा है, एक लग्जूरियस लाइफ, 10-10 पोर्टल आपके लिए लेकर आ रही है, जजमेंट लेकर आ रही है आपके लिए, यानी इंसाफ, जिन लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है उनको क्योंकि कर्मा मिल रहा है तो वो आपसे माफ़ी मांगने के लिए आएंगे, ठीक है। दूसरी बात, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, साथ ही आपकी लॉन्ग अवेटेड बहुत सारे डिज़ायर्स, क्योंकि मजिशन का कार्ड है, ना सिर्फ लग्जूरियस लाइफ की बल्कि आपकी बहुत लॉन्ग अवेटेड बहुत सारे डिज़ायर्स और गोल्स जो हैं आपने अपनी लाइफ में हमेशा से आपने लक्ष्य कुछ निर्धारित किए थे वो सब पूरे होंगे, वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए, ट्रैवल बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में 10-10 पोर्टल लेके आ रहा है। क्या होता है ये पोर्टल, ये 10-10 यानी 10th डेट होती है, डेट, और जो 10 है वो अक्टूबर होता है, तो ये एक पोर्टल होता है जो ओपन हो जाता है, मतलब ऐसे टैरो रीडर्स बताते हैं ना 10-10 पोर्टल, तो ये वो होता है। अब जैसे 11-11 का पोर्टल आएगा 11 तारीख को, तो उसका 12th दिसंबर को, वैसे ही ये 10-10 पोर्टल है। तो किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि 10-10 पोर्टल की रीडिंग करें, तो हम ये लेकर आए हैं 10-10 पोर्टल की रीडिंग, और जो कि बहुत अच्छी निकल कर आई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी मिलेगा, अचानक से आपको फेम मिलेगा, मतलब फेम ज़रूरी नहीं कि आप सेलिब्रिटी बने, देखिए अपनी कम्युनिटी में, अपने आसपास के लोगों में, अपने गली मोहल्ले में भी अगर आप पॉपुलर होते हैं, लोग आपको पूछते हैं, तो वो भी एक रिकॉग्निशन ही होता है, लोग आपके कार्यों के लिए आपको पहचानेंगे कि ये वो पर्सन है, ठीक है, आपके काम से लोग आपको पहचानेंगे, ना कि आपके पेरेंट्स से कि ये उनका बेटा है या उनकी डॉटर है या उनकी सिस्टर है, मतलब आपके काम से आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। तो ये गॉड 10-10 के पोर्टल में आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और 2023 के समाप्त होने से पहले आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि 10-10 जो ये पोर्टल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10-10 कम्प्लीशन का वर्ड होता है, कम्प्लीशन का वो मतलब 10-10 जो होता है नंबर वो कम्प्लीशन होता है, 10 के बाद शुरुआत, दोबारा से आगाज़, ज़ीरो से, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये इतनी अच्छी रीडिंग 10-10 शायद इसलिए हमने आज ये रीडिंग आपके लिए पोस्ट की है, और वो भी इस समय, और इतनी जल्दी हम आपको पता है ना रीडिंग लेकर नहीं आते, बनाते नहीं हैं इस समय, थोड़ा लेट ही बनाते हैं, दोपहर के बाद या फिर शाम को ज़्यादातर रीडिंग्स अपलोड करते हैं, लेकिन हमें आज लगा कि 10-10 की पोर्टल की रीडिंग करनी चाहिए। और वैसे भी आपको पता है आज 5 तारीख है, 15 तारीख को तो ऑलरेडी नवरात्रि स्टार्ट है, माता जी, माता रानी के नए नए रूप आएंगे, ठीक है, पहला नवरात्र शुरू होता है माँ शैलपुत्री से, तो
बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये रीडिंग करके, सच में शांति से मिल रही है अलग ही। अरे अरे अरे, बॉटम ही देखने के लिए हमने उठाया था। सुख समृद्धि से परिपूर्ण, धन धान्य से परिपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, मतलब जिसमें सब कुछ क्वालिटीज़ हों, मल्टी टैलेंटेड हो, स्टेबिलिटी हो, इंडिपेंडेंट हो, फ्रीडम हो, पावर हो, मनी पैसा फाइनेंसेस, लाइफ पार्टनर, जिसके पास सब कुछ हो, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ आ रहा है, अबंडेंस जिसे बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा चीज़ इसके नीचे, अरे यार, दिखना होता है तो वो दिख जाता है, अब हम क्या करें, तो ये दिखाई दिया है हमें। तो आपके लिए हो सकता है अगर आपने पाइल वन चुना है तो बहुत लोगों को शादी मुबारक, ठीक है। आप लोग बोला ना सुख समृद्धि से हो सकता है आप, ये जो आपके पर्सन है ये आपको घुमाने लेके जाएं क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा है। एम्प्रेस लग्जूरियस लाइफ आप लीड करेंगे क्योंकि हो सकता है किसी रिच वेल्दी इंसान आपकी लाइफ में कोई आ रहा हो क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स है। या ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में इतने स्टेबल हो जाएंगे कि आप खुद ही ये फोर ऑफ वॉन्ड्स, आप इतनी मजबूत बुनियाद खुद रखेंगे, खुद अपनी मजबूत फाउंडेशन एक बिल्ड करेंगे कि लोग आपको पूछेंगे, लोग आपको जो है आपकी मिसालें देंगे लोग कि ये वो पर्सन है जिसने शी या ही या शी जो भी है, दिस पर्सन स्टार्टेड समथिंग, स्टार्टेड विद स्क्रैच, स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, मतलब बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बनता हुआ कोई इंसान वो उभर रहा है। तो ये आपकी रीडिंग आई है, हम बहुत खुश हैं, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन हाँ, आपका जो एटीट्यूड है वो इस समय ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर कट क्लियर बात करेंगे आप, ठीक है। हालांकि हमें घमंड नहीं दिख रहा, घमंड नहीं दिख रहा, ईगो और बहुत ज़्यादा होता है ना एटीट्यूड, वो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि जो कार्ड्स आए हैं वो आपके लॉन्ग अवेटेड बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के बाद आपको मिलेंगी। तो इस चीज़ की वजह से आप में वो पैसे का घमंड नहीं आएगा, वेरी नाइस। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, क्योंकि आपको पता है ना कि जिसके पास ये सब चीज़ें इतना सब कुछ एकदम से आता है वो लोग रातों रात जो है उनमें बहुत सारा चेंज आता है, लेकिन आप में ये चेंज नहीं आएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारे लोग खुदा के नेक बंदे इस रीडिंग को देख रहे हैं और जाहिर सी बात है ये चेंज इसलिए ही नहीं आएगा आप में क्योंकि आप लोग खुदा के नेक बंदे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन, ठीक है। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, इतनी अच्छी रीडिंग आई है तो आप लोगों के लिए हम एक सरप्राइज लेके आए हैं। ये बजाए क्या? तो ये हम लेकर आए थे कि आप लोगों के लिए हम बजाएंगे जब कुछ अच्छा आएगा। पता नहीं हमारा कुछ बजाने का मन कर रहा था तो हम ये लेकर ही बैठे थे कि आज हम ये बजाएंगे। पायल ढूंढ रहे थे ना तो हमें तब पायल ढूंढते ढूंढते ये मिला था, तो हमने सोचा था जब रीडिंग करेंगे ना तो सबके लिए एक बार ये बजाएंगे। तो हमने बजाया, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनी रेजोनेट हुई है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्ट्रॉन्ग वाली, मतलब आप लोग ऑलरेडी खुदा के नेक बंदे हैं, स्पिरिचुअली अवेकेंड है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्गली, बहुत ही मतलब आप लोग सब कुछ जो डिज़र्व करते हैं, जो भी लाइफ में पाने के हकदार हैं वो आपको मिलेगा। तो टेन टेन पोर्टल आपके लिए ये लेके आ रहा है। इतना लंबा चौड़ा रीडिंग करके बढ़ा के कि ये आएगा वो आएगा, क्लियर कट रीडिंग आई है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत थी ही नहीं। तो पाइल नंबर टू, जिन्होंने ये डेक चूज़ किया है उनकी रीडिंग देखते हैं। प्लीज़ टाइम स्टैम्प डाल दीजिएगा, ठीक है। आप लोग ही तो डालते हैं वैसे भी, हम कहाँ डालते हैं, कभी हमने डाला है ज़िंदगी में एक भी टाइम स्टैम्प? अगर डाला हो तो बता दीजिएगा, डाला ही नहीं है तो बताएंगे क्या, क्योंकि हमें नहीं आता ना। अरे हमको इतना नहीं पता, अरे आप डाल दीजिएगा ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं प्लीज़, ठीक है। ये है टैरो डेक जो कि पाइल नंबर टू है और इसका जो डेक है वो कुछ इस प्रकार का है। हमारे यहाँ वेंडर्स बहुत जाते हैं तो आवाज़ आती रहेगी आपको। चैरियट है यहाँ पे, डेफिनेटली कुछ तो आ ही रहा है। ये कार्ड बताया हमने आपको, चैरियट है यहाँ पे, चैरियट है यहाँ पे, देखा क्या आपने?
कुछ तो आ ही रहा है भाई, टेन टेन पोर्टल में कुछ तो आ ही रहा है। देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, हम अभी रेडी नहीं है, एक मिनट थोड़ा शफल कर लेते हैं, क्योंकि रीडिंग करी थी ना हमने बहुत लोगों की, तो कार्ड्स उसी प्रकार से होंगे। थोड़ा शफल कर लेते हैं, धीरे धीरे कर लेते हैं, क्योंकि बार बार गिर जाते हैं। अब हम इतना कार्ड्स देख लेंगे फिर कुछ बताएंगे, क्या ही ज़रूरत है। ठीक है, अब रेडी है। ठीक है, पाइल टू, देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ, टेन टेन पोर्टल में। एक तो बहुत धैर्य आपकी तरफ आ रहा है। वैसे भी हमें पता है कि बहुत सारे लोगों ने क्योंकि खुदा के नेक बंदे हैं ना इस चैनल पे ज़्यादातर लोग, और कर्मा बिलीवर्स हैं, तो ऑलरेडी ये पेशेंस से परिपूर्ण लोग हैं, मतलब धैर्य की इनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जो चीज़ वो आ रही है वो बताते हैं। ये जो आपने सब्र रखा है ना, सब्र, इसका फल आ रहा है लाल रंग का। सेब आ रहा है। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ये सब लाल लाल जो फल होते हैं, मजाक कर रहे हैं। लेकिन कुछ मीठा फ्रूट आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि किस रिलेटेड है। आपके लंबे समय तक जिस चीज़ का आपने वेट किया है ना, पाइल नंबर वन भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उन्होंने भी बहुत वेट किया है, कई लोगों ने ज़रूर शादी का वेट किया होगा। ठीक है, देखिए बहुत सारी सेलिब्रेशंस आ रही है आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ बहुत बोरिंग सी रही है ना, पाइल नंबर टू, हमेशा से आपने बहुत ही कोई लाइफ में ऐसा लगता हो कि एडवेंचर नहीं है, तो उनकी लाइफ में ना थोड़ा तड़क भड़क आ रहा है, समझ गए आप। तड़क भड़क से याद आया, अब आपसे क्या छुपाना है, एक चीज़ बताते हैं आपको। और ये बिल्कुल ना सच्ची चीज़ है, पहले ये कार्ड देख लेते हैं नहीं तो हम भूल जाएंगे। ठीक है, ये है, उधर से हमें 11 दिख रहा है, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, हाँ, आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है ना एक एडवेंचरस लाइफ जीने का, बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग जो होती है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आप देख रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, फिर सीधा 9 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रोथ देख रहे हैं। ये कार्ड नेगेटिव कार्ड के तौर पे आप कंसिडर मत कीजिए, ग्रोथ देखिए आप। 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो मतलब ग्रोथ। ठीक है ना, इतने ही मजबूत नींव आप रखेंगे अपनी। पाइल नंबर वन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो भी कुछ ऐसा ही था। ठीक है, हाँ, लेकिन हम ज़रूरी बात आपको क्या बता रहे हैं, जो तड़क भड़क आपकी लाइफ में आ रही है, मतलब सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा, तो हमारे स्कूल में 10th क्लास की बात है, 10th क्लास में, एक मिनट, 10th क्लास में ना, प्री बोर्ड के पेपर थे, तो आपको पता है ना मुहावरे होते हैं, मुहावरे और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी होता है। अगर आपने जो है पेपर दिए होंगे स्कूल के, तो आपको पता होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, मुहावरे होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, ऐसी चीज़ें होती है। तो वो मुहावरा था कि अनेक शब्दों के लिए, नहीं, मुहावरा था, जैसे होता है ना, जैसे मछली जैसी आँखों वाला, तो उसको मीनाक्षी बोलते हैं। तो जैसे होता है ना कि, अरे क्या बोलते हैं, जो ज़्यादा खर्च नहीं करता हो, कंजूस, ऐसा क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ना, मुहावरा बोलते हैं उसको, मुहावरा नहीं बोलते। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही तो होता ही है, क्योंकि बहुत सारे शब्दों का एक शब्द होता है, तो जो ज़्यादा खर्चा ना करता हो, कंजूस, ऐसे। तो एक मुहावरा था ऊपरी तड़क भड़क, अगर आपको पता हो इस मुहावरे का मतलब हमें ज़रूर बताइएगा, हमें आज तक इस मुहावरे का मतलब नहीं पता है। ऊपरी तड़क भड़क ये आया था प्रश्न, ठीक है, प्री बोर्ड में, और हमने क्या आंसर लिखा था। एक मिनट,
क्या ही बोलते रहते हैं बताइए। टैरो रीडिंग में ये बात बताने की बात नहीं है, लेकिन हमें आप हमारी फैमिली हो ना, हम तो आपसे छुपाएंगे थोड़ी, घर सबको पता है तो आपको भी पता होना चाहिए। हमने लिखा था, हमने उसका आंसर लिखा था तड़ाका भड़ाका। वैसे ऐसा कोई अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है सच में, हमें क्योंकि मिला नहीं कहीं पे भी ढूंढने पे कि ऊपरी तड़क भड़क ये कौन सा, मतलब पता नहीं कहाँ से कौन से सिलेबस से उन्होंने दिया था ये प्रश्न प्री बोर्ड के पेपर में, और हमने उसको लिखा था तड़ाका भड़ाका। फिर इससे इसके मतलब हमको डांट ना पड़े ना, इसलिए हमने उसको जो है काटा था, क्योंकि हमें लगा था कि ये तड़ाका भड़ाका नहीं हो सकता इसका आंसर, तो मैम हमें ज़रूर डांटेंगी। तुमने क्या किया था, उसको जो है कट मार दिया था। लेकिन वो जब आंसर शीट, मैम ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो आंसर शीट वापस आई थी ना, तो आसपास के कुछ लोगों को दिखाई दिया था वो, तो हमने उनको बताया था कि ये देखो हमने क्या लिखा था और लिखने के बाद काटा था। तो इस बात को सुन के बहुत सारे लोग हंसे थे तब, तो वही हमें याद आई कि ये आपकी लाइफ में तड़क भड़क से हमें ये चीज़ याद आई है। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिसको इस मुहावरे का अर्थ पता है, अनेक शब्दों के एक शब्द का आंसर पता है, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। ऊपरी तड़क भड़क, ठीक है। अरे यार, तो जी हम ऐसे ही हैं, हमने टेंथ में भी यही कांड किया था स्कूल में। तड़ाका भड़ाका लिख के आए तो बताइए, तो देखते हैं आपकी लाइफ में कौन सी तड़ाका भड़ाका आ रहा है। ठीक है। अरे यार, कभी कभी ना इतनी हंसी कंट्रोल नहीं होती हमसे, वैसे आपको तो पता है ना, हमको हमारे आंसू भी नहीं कंट्रोल होते और हंसी भी कंट्रोल नहीं होती। देखते हैं, तो आपकी लाइफ में जो है फाइल नंबर 2 वाले ग्रोथ 3, 4, 9, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो एक तो ग्रोथ आ रही है, मैरिज एंड सेलिब्रेशंस भी आ रही है, लॉन्ग अवेटेड सक्सेस हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक कार्ड और आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 5 ऑफ सोर्ड्स, बताते हैं ये क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने अगर अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा आपको लगा है कि आप किसी ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया लाइफ में, या आपने अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लिया कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, उसके लिए आपने कभी अगर स्टैंड नहीं लिया, या अगर किसी ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, तो वो अगर आप हैं तो आप, और अगर ये कोई पर्सन है तो वो पर्सन आपके लिए लाइफ में स्टैंड देंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है जो आपको मिलने वाला है, आपने शायद इस सपोर्ट की हमेशा से तमन्ना की है, फाइनेंशियल सपोर्ट करे कोई, या कोई मतलब किसी भी तरीके से आपको सपोर्ट करे कोई, तो वो ये सपोर्ट आपको 10-10 पोर्टल आपके लिए लेके आ रहा है। 3333 देखा हमने, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, एक कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, फूल, फाइनली देखा ना, ये इस कार्ड के साथ, ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स है इसके साथ ये फूल कार्ड, देखा उसके बाद कितना कार्ड, कितने कॉन्ट्राडिक्टरी और कितने एक दूसरे के साथ जो है कोपअप करते हैं। फूल, फाइनली आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, रिस्क लेंगे आप इस बात के लिए, क्योंकि गॉड चाहते हैं ऐसा होगा, यूनिवर्स आपको इतना पुश करेंगे कि आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, और वो भी बहुत जल्द। ये आप प्लीज़ फाइल नंबर 1 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 कार्ड सिमिलर आ चुके हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, ये फाइल नंबर 1 में भी आया था, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि फाइल नंबर 1 भी ज़रूर देखिएगा, शायद आपके लिए उसमें भी कुछ हो। और फाइल नंबर 1 वाले वो फाइल नंबर 2 भी देख लीजिएगा, ठीक है, मतलब होप आपके लिए क्या आ रहा है, होप, उम्मीद, जो उम्मीद आपने हमें कभी लाइफ में, अगर देखिए
कभी कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं, सरकमस्टेंसेस ऐसे आते हैं जब इंसान जो है बहुत सारी उम्मीदें छोड़ देता है। हमने भी एक टाइम पे जो है बहुत सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। सच बताए तो हमें अभी भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि अपने आप से या अपने ग्रोथ से इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन गॉड पे भरोसा है, कर्मा देवता पे भरोसा है। तो वही चीज़ हमको आगे लेके जा रही है कि अपने ऊपर तो हमें घंटा भरोसा नहीं है यार। हम झूठ नहीं बोलेंगे, इतना ज़्यादा पॉजिटिव हम हैं नहीं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, जो लोग हमेशा से ऐसा सोचते आए हैं कि हमको ये जिम्मेदारी नहीं उठानी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जो लोग भागते आए हैं वो अब उस चीज़ एक कार्ड आया है, उस चीज़ पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, क्योंकि उनके उनमें इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर आ जाएगी कि वो अपने ना सिर्फ अपने लिए स्टैंड लेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी स्टैंड लेंगे। इतने स्ट्रॉन्ग और इतने पावरफुल ये पर्सन जिनकी रीडिंग हो रही है, आप लोग मतलब आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आपकी एक अलग पहचान लोग देखेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, बिल्कुल पाइल नंबर 1 जैसी है रीडिंग, ऑलमोस्ट सेम है। नहीं, टैरो डेक देखिए अलग है, पाइल भी अलग है, लेकिन एनर्जीज वैसी ही आई हैं। पाइल नंबर 1 ज़रूर देखिएगा, ठीक है। लेकिन ये जो सेवन ऑफ सोर्ड्स है ना, इससे हमें एक और चीज़ फील हो रहा है कि फाइनली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के ठीक नीचे क्वीन ऑफ कप्स। तो क्या है ये? देखिए, आपकी लाइफ में जो है एक स्टेबिलिटी आ रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी, जो कि अगर आप बहुत लंबे टाइम से जो लोग सिंगल रहे हैं उनकी लाइफ में लव आ रहा है, ठीक है। और जो लोग जॉबलेस रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनकी लाइफ में ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली स्टेबिलिटी भी आ रही है। मतलब दोनों तरफ से स्टेबिलिटी आ रही है, पेंटिकल्स के लिहाज से भी और क्वीन ऑफ और कप्स के लिहाज से भी। यानी आप वही एम्प्रेस वाली फीलिंग है, अबंडेंस आ रही है। पाइल नंबर 1 ज़रूर देखिएगा, सेम है। हाँ, तो सेवन ऑफ सोर्ड्स के बारे में हमें जो फील आ रहा है एक और इंट्यूटिवली, वो ये है कि कोई आपकी लाइफ में एक पर्सन है जिसका बिहेवियर आपके प्रति ना थोड़ा सा स्नीकी सा रहा है, ऑन एंड ऑफ रहे हैं ये पर्सन। सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ये पर्सन जो आपकी लाइफ में रहे हैं, ये पर्सन इसके आगे रखा है, हमने आपको दिख ही रहा है ना, ये कार्ड दिख रहा होगा, ये वाला, इसके आगे ये वाला कार्ड है और इसके आगे जो है वो फूल का कार्ड है, ये रहा, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये कार्ड अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये कैसे बताएं हम आपको, ये एक मिनट दिखाते हैं। ये पर्सन स्नीकी रहा है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, आपके लाइफ में आपसे एसोसिएटेड कोई पर्सन हो सकता है जो पीछे देख रहा है, स्नीकी रहा है, मतलब इसको अपने किए पे ये शर्मिंदा रहा होगा, अब इसको शर्मिंदगी होगी, इसलिए वो क्योंकि अब तक बस पीछे ही देखता रहा है और इस तरीके से बस चलता रहा है, बस स्नीकी बिहेवियर, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन। लेकिन अब जो ये पर्सन है वो सामने देखता हुआ आप ही की तरफ जो है मूव कर रहा है। कहने का मतलब ये है, ये पीछे देख रहे हैं लेकिन ये आगे देख रहे हैं। तो देखिए, जो पीछे देखते हुए चलते हैं वो उनके इंटेंशंस भी ज़्यादा प्योर तो होंगे नहीं, क्योंकि पीछे देख रहे हैं, सामने नहीं देख रहे हैं। और चोरों की प्रवृत्ति होती ना, वही बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, तो ये तो चोरों वाली एनर्जी है। लेकिन ये पर्सन जो है आपकी तरफ आ रहे हैं, आगे की ओर, और रिस्क लेने को भी ये तैयार है ये पर्सन। तो शायद ये लव रिलेटेड अगर कोई सिचुएशन है तो उनके लिए ये पर्सन आ सकते हैं, ऐसी भी यहाँ पे इंट्यूटिवली फील हो रहा है। लेकिन जो लोग अगर सिंगल हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी लाइफ बहुत एकदम से 360 डिग्री घूम जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है। और ये 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है आपको पता है? कंप्लीशन,
भाई बुरा दौर ख़त्म हो गया है, अब हम इसके नीचे वाला कार्ड नहीं देखेंगे, इसलिए हम इसको बिल्कुल सलीके से ऐसे रख देंगे ताकि बिल्कुल सलीके से रखा है, आप देख लीजिए ये देखिए। नहीं तो आप बोलेंगे कि आपने ज़रूर इसके नीचे का कार्ड देखा होगा, तो हम जो है वो हम आपको दिखा देंगे, क्योंकि क्या है सब लोग विश्वास नहीं करते हमारी बात का। खैर हमें पता है जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको हमारी बातों पे पूरा भरोसा है, तभी तो उन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब किया है, और बाकी लोग जो देख देख के चले जाते हैं वो खुदा के नेक बंदे भी तो नहीं हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ एक आध खुदा के नेक बंदे होंगे, वो भी हम पे भरोसा कर ही लेंगे। ठीक है अब हम जो है इसको ठीक इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, ठीक है। तो अब चलेंगे पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग की तरफ। इसको हम अच्छी तरह से उठा लेते हैं, रुके नीचे वाला कार्ड भी अच्छी तरह से उठा, मैंने देखना नहीं है क्योंकि सारे कार्ड उठा लिए हैं, यही कार्ड आया था ना 9 of Wands, ये ऐसे ही हम रख देंगे। तो पाइल नंबर 2 की भी रीडिंग हो गई है, बहुत अच्छी रीडिंग आई है, पाइल नंबर 1 ज़रूर देखिएगा। टेंटन का पोर्टल तो बहुत अच्छा साबित हो रहा है यार, मज़े आएंगे बहुत, पार्टी। ये है पाइल नंबर 3, जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 3 जिसका टैरो डेक कुछ ऐसा दिखता है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे सबसे नीचे वाला कार्ड, वही हमने निकाला। ये है ठीक है स्टेबिलिटी, जॉब एम्प्लॉयमेंट जिनको हमेशा से लगा है उनकी तरफ क्या आ रहा है, मतलब उनकी तरफ आ रहा वो आ रहा है उनकी तरफ, एम्प्लॉयमेंट जॉब फाइनेंसेस पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है तो देखते हैं, ये अभी हम रेडी नहीं है, थोड़ा शफल कर लेते हैं उसके बाद हम रीडिंग करेंगे, क्योंकि कार्ड्स थोड़े ना, हमने कल बहुत लोगों की रीडिंग करी है फ्री वाली, तो ये सारे डेक्स हमने यूज़ किए तो वही घूम फिर के आएंगे, उससे पहले थोड़ी एनर्जी इसकी शफल कर लेते हैं। ठीक है अब टेन टेन पोर्टल पाइल नंबर 3 वालों के लिए क्या ला रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, बहुत कार्ड्स बहुत शोर कर रहे हैं। डेस्परेट हैं बहुत सारे लोग, पाइल नंबर 3 वाले कुछ जानना चाहते हैं, मेहनत तो हार्ड वर्क विल नाउ पे ऑफ। देखिए ये लोग तो वेट कर रहे थे कुछ लोगों का, लेकिन यहाँ पर जो है लोगों ने हार्ड वर्क किया है तो उसका परिणाम वो मिलेगा। वेरी नाइस, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। स्टार का कार्ड, पाइल नंबर 1 ज़रूर देखिएगा, पाइल नंबर 3 वाले अलग अलग डेक्स हैं लेकिन रीडिंग ऑलमोस्ट सेम है, आप एक पाइल भी देख लें, दो पाइल भी देख लें, तीन पाइल भी देख लें, कोई बात नहीं। अब तो हम कहेंगे पाइल नंबर 1 भी देखिएगा और 2 भी देखिएगा, नाइट ऑफ सोल्स बहुत तेज़ी से आ रहा है आपकी तरफ, पता है। सबसे पहले जो आपको अभी थॉट आएगा ना कि ऐसा क्या है जो आपकी तरफ आ रहा है, अचानक से आपको ऐसा थॉट आएगा एकदम से, ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड, स्टार, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख के आपको जो सबसे पहला थॉट आएगा ना वही आपकी तरफ आ रहा है। तो मुबारक हो, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, पहचान, पॉपुलैरिटी, फेम, ये सब चीज़ें, लग्जूरियस लाइफ लीड करेंगे आप, क्योंकि 9 of Pentacles है हाथ में, ऐसे एक पक्षी लिए आप जो है घूमते रहेंगे अपने बगिया में, और सब आपको देखेंगे घूम घूम के कि यार ये कौन है। मतलब पाइल नंबर 1 ज़रूर देखिएगा, इम्प्रेस वाली फीलिंग आई है। 8 of Swords, घबराइए मत, ये सब चीज़ें जा रही हैं आपकी तरफ से, आ नहीं रही हैं, 8 of Swords। बहुत सारे लोग जो है अपने पास्ट बैगेजेस से और पास्ट ट्रॉमा से, अपने पास्ट से, अपनी सारी ग्रजिस से, गिल्ट से मुक्त हो जाएंगे, 8 of Swords। बेसिकली हमें ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ देख पाएंगे, वो आ रहा है आपकी तरफ। 5 of Pentacles,
घबराने की बात नहीं है, लोग सोचेंगे कि अरे ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ रहा है। देखिए हाई प्रीस्टेस के नीचे आया है ये कार्ड ना, ये कार्ड हमें एक ऐसी वाइब्स देता है क्योंकि एक चर्च है, ये एक चर्च की इमेज है। चर्च के बाहर ये लोग जो है, दरिद्र लोग जो है वो इस अवस्था में जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन चर्च है, चर्च के बाहर है और ये पर्सन इस हालत में है। तो आपको लगता है कि कोई किसी तीर्थ स्थल के बाहर ऐसी हालत में बहुत देर तक रह सकता है? गॉड की रोशनी क्या इन पे कभी नहीं पड़ेगी? मतलब कहने का मतलब ये है कि हाई प्रीस्टेस के नीचे ये कार्ड आया है, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा, और आपके जो प्रेयर्स है ना, अरे यार हमारे बाल, एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो आप इसको देख के भी आपको लगा होगा कि अरे ये क्या कार्ड आ गया, बहुत ही गंदा सा। ये जो कार्ड आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, इसको देख के भी आप घबरा गए होंगे कि यार ये कौन सा कार्ड आ गया बेकार सा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि एट ऑफ सोर्ड्स आप अपने सारे जो दुख दर्द तकलीफ़ें हैं, गिल्ट है, ग्रजिस है, उन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। और फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ठीक हाई प्रीस्टेस के नीचे आया है, तो वो हमें ये बता रहा है कि ये आपकी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा और भी एनहेंस होगी, और भी ज़्यादा बढ़ेगी, आप गॉड से कनेक्ट हो पाएंगे, और साथ ही आपकी जो प्रेयर्स है ना, क्योंकि ये चर्च के बाहर हैं, तो आपकी जो प्रेयर्स है ना वो आंसर होंगी। अब 10-10 पोर्टल आपकी सारी प्रार्थनाओं का जवाब है, तो वो आ रहा है आपकी तरफ, अब तक की सारी प्रेयर्स आपकी सुनी जाएंगी। बहुत शोर आ रहा है, पता नहीं एकदम से ना, ऐसा होता है ना किसी के आगमन में जो शंखनाद होता है, बहुत शोर शराबा होता है, जैसे गणपति आते हैं तो बहुत शोर शराबा होता है, उनके जाने के साथ भी बहुत शोर शराबा होता है, तो वैसा ही कुछ हमें दिखाई दे रहा है। देखा फाइव ऑफ पेंटिकल्स से सीधा किंग ऑफ पेंटिकल्स, हमने क्या बोला था आपको, फाइव ऑफ पेंटिकल्स के बाद सीधा किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपकी सारी जो प्रेयर्स हैं वो सुनी जाएंगी, और आप इस निर्धन जो है निर्धनता से एकदम धन धान्य की ओर धनवान बन जाएंगे। तो स्टार के नीचे है वो भी ये कार्ड, आप देख लीजिए, ये देखिए स्टार, ये वाला स्टार है ना, ये नहीं, ये स्टार के नीचे ये कार्ड है, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, मतलब कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी, कितनी सेम टू सेम रीडिंग, एक दो कार्ड आए हैं एक साथ, पर पता नहीं हमको इंट्यूटिवली फील नहीं हुआ कि हमें लेना चाहिए। अब पता नहीं वही कार्ड दोबारा आ सकते हैं, बट हमने लिया नहीं, अभी देखते हैं। एक कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, और वो भी नाइट ऑफ सोर्ड्स के नीचे। इमोशनल फुलफिलमेंट, लव, किसी का लव ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। नाइट ऑफ सोर्ड्स के नीचे नाइट ऑफ कप्स है, ये तो बिल्कुल भाई सेम रीडिंग है, क्या ही ज़रूरत थी हमें पाई थी रीडिंग करने के लिए, कलेक्टिव ही बना देते, सेम ही है। इतनी खुशी दिख रहा है आपको, जस्टिस पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 1 का जजमेंट आया था, आपका जस्टिस आया है। हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यहाँ पे सारे लोग ना सिर्फ कर्मा का वेट कर रहे हैं, ऐसा ही है क्या हैं आप लोग सच में, मतलब कर्मा देवता का वेट कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपका वेट जो है वो ख़त्म, 2023 के ख़त्म होने से पहले ही और 2024 की शुरुआत में, तो बारी बारी से सबको जो है कर्मा देवता के दर्शन होंगे, और कर्मा देवता एम्परर, ठीक है, ये क्या आ रहा है हम बता देते हैं। एम्परर का कार्ड क्यों आया है, बॉटम ऑफ द डेक है, ओवरऑल एनर्जी, इसका मतलब ये है कि आप अपनी पावर में रहेंगे, आपको ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे कि कोई आपको अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातों से फंसा ले, आप इतने ज़्यादा इस पावर में रहेंगे, एम्परर वाली पावर में, कि आपको जो है बेसिकली अब आपको कोई
तोड़ नहीं सकता है। बहुत तोड़ा है ना, बहुत कमज़ोर रहे हैं आप, क्योंकि ये कर्मा बिलीवर्स की चैनल है, हमें पता है ज़्यादातर लोग इसमें दुखी आत्माएं हैं, तो अब आप इतने स्ट्रांग बन जाएंगे ना कि आप एम्परर वाले एनर्जी में आ जाएंगे, आप कोई तोड़ नहीं पाएगा आसानी से, बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे आप। तो ये जो स्ट्रांग एनर्जीज हैं वो आपकी तरफ आ रही हैं, ये सब चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, जस्टिस, ठीक है, फेम, तो मतलब एक खूबसूरत रॉयल जिंदगी, सही है भाई। देखो अगर 40 साल का इंसान है कोई, सारे लोग तो इतने नहीं हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग तो हैं ना, 40 साल का एज होगा, 50 साल का एज होगा, 60 साल का एज होगा, भाई इतना वेट करने के बाद अगर ऐसी ज़िंदगी आ रही है तो सोचिए कितना आनंद आएगा, कितना मज़ा आएगा। भाई हमें तो बहुत मज़ा आएगा, आधी ज़िंदगी गुजर गई है ना, तो अब अगर ऐसा थोड़ा सा समय मिले बची खुची ज़िंदगी तो मज़ा तो आएगा ही। तो जी ये थी आपकी रीडिंग, आए हो आपको पसंद आई हो, हैं हम आपके लिए ये बजा देते हैं, पहले भूल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत खुश हैं हम आप लोगों के लिए। 1 पायल नंबर 2 पायल नंबर 3 ज़रूर देखिएगा, पूरी रीडिंग ही देख लीजिएगा, और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे, वैसे भी 52 मिनट्स हो ही गए हैं इस वीडियो को। तो चलिए हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, ठीक है, खुश रहिए, आबाद रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, ठीक है, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, हैं सबसे ज़्यादा तो ब्लेसिंग्स ही है ये, ठीक है, जो आ रही है आपकी तरफ। भाई हम तो यही बोलेंगे, बाकी थोड़ी बहुत ब्लेसिंग्स और ले लो लोगों से, हैं उनको भी देते रहो, क्योंकि आप लोग खुदा के नेक बंदे हैं, हैं तो आप लोगों को अच्छा करना आपको आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, और आप चोजन वन है, आपको गॉड ने इसी उम्मीद से आपको ये कार्य सौंपा है कि आप सबका भला करें, ठीक है। तो इसी के साथ आज की रीडिंग समाप्त होती है, आई होप आपको पसंद आई हो, और जो है पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, अब हम बता रहे हैं 2-3 दिन से बंद थी ना, तो अब ओपन हो गई है, पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे, और पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास के लोगों का भी, ओके बाय, अभी तक अभी के लिए बस इतना ही, बाय।